राजमा चावल तो आपने बहुत बार खाया होगा, बनाया भी होगा, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से वही राजमा को बनाकर देखिए, आप सारे तरीके भूल जाओगे, इतना परफेक्ट ये बनेगा। सबसे पहले राजमा को ओवरनाइट सोक करके मैंने लिया है, ये मॉर्निंग में इस तरह से बढ़िया से सोक होकर रेडी हो चुका है। कम से कम 5 घंटे के लिए तो आपको भिगोना है। उसके बाद इसे मैंने डाला है कुकर में। अगर 1 कप राजमा है तो 2 कप पानी डालना है, नमक डालकर इसकी 2 से 3 सीटी लगा कर लेनी है। तब तक मैं यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 4 प्याज लिए थे, 2 टमाटर और 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले मैंने प्याज की प्यूरी बना कर ली है, एकदम बारीक प्यूरी नहीं बनानी है, थोड़ी सी कोरस प्यूरी रखनी है। और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की मैंने अलग से प्यूरी बनाकर ली है। कढ़ाई में जाएगा थोड़ा सा ऑयल, राई और जीरा। जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो 8 से 10 लहसुन को मैंने बारीक चॉप करके डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है हींग। अच्छे से फ्राई होने के बाद जाएगी इसमें हमारी अनियन की ग्रेवी। अनियन को भी हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। बारीक मैंने प्यूरी नहीं बनाई है, थोड़ा सा कोरस ही से रखा है। उसके बाद हल्दी पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1/2 चम्मच। आप आपके स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ये जो हमारा राजमा पकाया हुआ पानी है वो डालकर इस ग्रेवी को अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल भी इसे चिपकाना नहीं है। ये पानी आप डालकर जरूर देखिए, इसे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद इसमें जाएगी हमारी टमाटर की प्यूरी। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है और इस प्यूरी को हमें अच्छे से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। यही परफेक्ट ग्रेवी है। अगर आपकी ग्रेवी परफेक्ट बनेगी तभी आपके राजमा को टेस्ट आएगा। अब ये परफेक्ट ग्रेवी बनी है, इसमें जाएगा हमने बॉईल किया हुआ राजमा। अच्छे से इसे 8-10 मिनट के लिए बॉईल करें और हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। एक बार इस तरह से आप राजमा को ट्राई करके जरूर देखिए। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है और कंसिस्टेंसी भी। आपको ये मेथड जरूर से पसंद आएगी। इस तरह से राजमा ट्राई करें, कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।